हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पार्ट टू फोर किंग्स फॉर्म एंड टाउन्स हिस्ट्री का। हमने वहां पे एग्रीकल्चर तक छोड़ दिया था। अब हम पढ़ेंगे उसके अगला टॉपिक, उसके आगे का टॉपिक क्या है। लेट्स बिगिन। तुम्हारा पहला पॉइंट, पहला टॉपिक है लैंड ग्रांट्स, यानी भूमि भूदान। इसे हिंदी में भूदान कहते हैं, भूमि का दान दे देना। ये कॉमन एरिया में स्टार्ट होता है। जो ये कॉमन एरिया में स्टार्ट होता है, ये लिखा जाता था कि हमने इस जमीन, इतनी जमीन इस प्लेस को दी है, राजा कराते थे इसको। तो इंस्क्रिप्शन तो पे लिखा जाता था, तो स्टोन्स पे लिखी जाती थी और कॉपर प्लेट पे लिखी जाने लगी बाद में, 7th सेंचुरी के बाद में। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर 8 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जो लैंग्वेज संस्कृत लिखी जाती थी, लेकिन 7th सेंचुरी के बाद में लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज तमिल और तेलुगु भी यूज होने लग गई। इसका पर्पज क्या था लैंड ग्रांट्स का? रिलीजियस पर्पज के लिए देना और ब्राह्मण्स को दान में देना। इसका मेन कारण यही था कि क्यों होते लैंड ग्रांट्स। देखिए, हम एक एग्जांपल है प्रभावती गुप्ता का। जब धर्मशास्त्र लिखे गए थे, ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र लिखे थे, उसमें लिखा था कि जो लैंड ग्रांट होगा सिर्फ और सिर्फ, यानी मैन कर सकता है, मैन या फिर राजा कर सकता है, कोई वुमेन या रानी नहीं कर सकती। लेकिन प्रभावती गुप्ता वुमेन थी। ये बेटी थी चंद्रगुप्त सेकेंड। ये गुप्त सा गुप्त काल की है ये रानी। तो चंद्रगुप्त सेकंड, ये चंद्रगुप्त मौर्य मत लिख देना, ये DAR है, सॉरी जी लिखा गया मुझसे, चंद्र गुप्त सेकंड। फर्स्ट आपके मौर्य थे, नहीं फर्स्ट आपके गुप्त डायनेस्टी मिलते हैं, फर्स्ट उन्हीं के बेटे पोते हैं शायद चंद्रगुप्त सेकंड। और उनसे पहले मौर्य एम्पायर आया था, उनका चंद्रगुप्त मौर्य था। याद रखिएगा, कंफ्यूज हो थोड़ा नाम में, किसकी बेटी है? चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी है प्रभावती गुप्ता। इन्होंने लैंड ग्रांट किया था। इसका इसके इतने रीजन क्या क्या है लैंड ग्रांट के? रीजन एक मैं इसे रब कर देता हूँ, फिर हम आगे का डिस्कस करेंगे। ये मान लीजिए हमारे पास एक स्टेट है, एक राज्य है या महाजनपद है, कुछ भी मान लीजिए। इसमें यहाँ तो राजा का घर हो गया, ये राजा का महल है। इधर ये फोर्टिफाइड है पूरी तरीके से। फिर इधर कोई टेम्पल है, यहाँ पे कोई टेम्पल मान लीजिए कोई टेम्पल है। फिर यहाँ पे छोटे मोटे गांव बस्तियां जो भी हैं उनके प्लेसेस हैं। ये लैंड एग्रीकल्चर यूज होती होगी। और ये पूरा लैंड, और हमने पढ़ा था कि पूरे पूरे रिसोर्स जो लैंड था वो पूरा पूरा किंग के अंडर में था। तो अंडर अपनी सुपीरियरिटी बढ़ाने के लिए, अपनी सुपीरियरिटी बढ़ाने के लिए, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए लैंड ग्रांट कराता था। तो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, पहले के टाइम में जो राजा जितने मंदिर बनवाता था, जो ज्यादा अपनी दान मंदिरों के लिए दान करता था, वो महान राजा होता था पहले। ये पहले ये सोचते थे कि जो मतलब राजा अपनी लैंड पूरी ब्राह्मण को दान दे देता है, राजा को दान मंदिरों के निर्माण के लिए काम करता है, उसे महाराजा बनाया जाता था। पहला कारण ये हो गया, किंग अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए, अपने को पावरफुल बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या था, हमने बताया कि सामंताज के बारे में, सामंत लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अगर किंग कमजोर होता है तो उस पर अटैक कर देते हैं और वहां पे खुद राजा बन जाते हैं। तो उनकी पावर को कमजोर करने के लिए भी किंग लैंड ग्रांट करवाते थे। किसकी पावर को? सामंताज की पावर को कम करवाने के लिए ये लैंड ग्रांट होता था। इसके अलावा कभी कभार लैंड ग्रांट क्यों होता था? ताकि एग्रीकल्चर फील्ड बढ़ सके, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ सके एक किंगडम की। तो आपका पहला पॉइंट क्या था? अपनी पावर बढ़ाने के लिए, अपनी सुपीरिटी दिखाने के लिए। तीसरा पॉइंट सामंतास की पावर डिक्रीज करने के लिए। और चौथा पॉइंट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए। 8 मार्क्स में सभी पॉइंट लिखने पड़ेंगे। इसका स्टार्टिंग बेट क्या है, कहाँ लिखी जाती थी, लैंग्वेज कौन सी थी, किस कारण किया जाता था। प्रभावती गुप्ता का एग्जाम्पल देना आपको, ये 4 पॉइंट हो गए। फिर रिसोर्स, रीजन क्या कहते हैं लैंड ग्रांट के, आपको सबको लिखने हैं। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है हमारा। नेक्स्ट है कॉइन्स एंड किंग्स। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या कहते हैं और स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को भी क्या कहा जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को क्या कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि इंडिया का पहला कॉइन है पंच मार्क्ड कॉइन। ये मौर्य एम्पायर ने डिस्कवर किया था। ये वाला कॉइन पंचमांग, यानी सिर्फ यहाँ पे पंच किया जाता, पंच सिर्फ पंच मारते थे। ऐसे पंच मारा कैसे था, हाथी का पंच है, ये भी हाथी का है, ये मौर्य एम्पायर का सिंबल है शायद ये वाला, जहां तक मुझे पता है उनका सिंबल ये वाला था।
और ये मुझे पता नहीं क्या है। तो पंच क्या था, उसे कहते हैं पंचमाकोइन। ये 6th सेंचुरी के आसपास बने हैं सारे के सारे पंचमाकोइन, सिक्स और सिल्वर और कॉपर से मिलके बना ये सारा कॉइन। इसके लेकिन हमें प्रॉब्लम यहाँ आती है कि नहीं था कि किंग छापते थे या किंग बनाते थे या फिर वहां के लोकल पीपल ही बनाते थे, हमें ये नहीं पता अभी तक, या आर्कियोलॉजिस्ट को या फिर न्यू आर्कियोलॉजिस्ट को अभी तक ये नहीं पता। दूसरा है इंडो ग्रीक कॉइन्स, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में उसका मैं डायग्राम बताऊँ, हम उसमें हम देखेंगे इंडो ग्रीक कॉइन है। ये पहला ऐसा कॉइन था फ्रेंड जिसमें एक राजा की तस्वीर भी बनी होती थी और उस पीछे राजा का नाम भी लिखा हुआ होता था। पहला कॉइन था ये, राजा की तस्वीर वाला भी और पीछे राजा का नाम भी। इंडो ग्रीक पता है कौन थे? इधर आपका राजस्थान वाला पार्ट है ना, ये राजस्थान वाला पार्ट है, फिर यहाँ से गुजरात वाला पार्ट है। ये जिन्होंने इस नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे जिन्होंने रूल किया था, कुशाना पीपल नहीं है ये, इंडो ग्रीक कॉइन है। यानी इंडियो जो हमने सेल्यूकस निकेटर का ने आपको एग्जांपल दिया था, उसने इंडिया पे थोड़ा सा इस वाले एरिया पे अपना किंगडम किया था, तो वहां पे उन्होंने अपने कॉइन्स लाए थे। अब इंडिया में दो गोल्ड कॉइन हुए हैं, पहला गोल्ड कॉइन बनाया था कुशाना लोगों ने 1st सेंचुरी में, बनाया वाला कॉइन कौन से सेंचुरी में? 1st सेंचुरी में। ये रहा आपका गोल्ड कॉइन, ये वाला गोल्ड कॉइन है, इसको कुशाना लोगों ने लाया था। और ये आपने रोमन एम्पायर के पढ़ा होगा, सॉरी आपने पहाड़ियन एम्पायर पढ़ा होगा कंटेम्पररी रोमन बुक वाले में 11th चैप्टर में, उसमें इसके जो वेट था पूरा पूरा सिमिलर था, उसके वेट के अनुसार था पूरा वेट साइज और इसकी सब कुछ और शेप थी वो रोमन एम्पायर के बारे से रोमन एम्पायर जैसी थी। चौथा रोमन एम्पायर, साउथ इंडिया में एक साइट है अरिका मेडो, अरिका RIKA अरिका MEDU अरिका मेडू, वहां पे हमें रोमन कॉइन्स मिले हैं, लेकिन बाद में हमें रोमन कॉइन्स मिलने बंद हो जाते हैं। इसका कारण ये बताया गया है ताकि जो हमारा ट्रेड एम्पायर ट्रेड था रोमन एम्पायर से डिक्लाइन हो जाता है, खत्म हो जाता है, इस कारण यहाँ पे हमें मिलना बंद हो जाते हैं कॉइन्स, 6th सेंचुरी के बाद के कॉइन हमें मिलना बंद हो जाते हैं। सेकेंड गोल्ड कॉइन बनाया था गुप्त लोगों ने, गुप्ता पीरियड ने। ये जो दो कॉइन देख रहे हो आप, ये गुप्ता पीरियड के कॉइन है, ये पहले प्योर गोल्ड से बना हुआ था, प्योर गोल्ड एकदम, इसमें तो कभी कुछ मिक्स किया गया था गोल्ड के साथ कोई दूसरा दूसरे धातु, लेकिन ये जो कॉइन्स आगे प्योर गोल्ड थे यानी शुद्ध सोना, खरा सोना कहते हैं वो सिक्का था ये वाला। फिर एक ट्राइबल कॉइन, 1st सेंचुरी में ट्राइबल कॉइन बनाए गए थे, ये आप देख रहे हो इधर वाला डायग्राम, एक ट्राइबल कॉइन है, इसे युद्धीज कहते हैं, युद्ध का सिक्का। ये पंजाब हरियाणा के आसपास की ट्राइबल पीपल थे युद्धीज, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ये आपका कॉइन हिस्ट्री है। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, भी आपका 8 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और 3 मार्क्स के लिए भी, से मार्क्स के भी 3 सिक्कों के बारे में बताओ, आप समझते हो 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन मोस्टली आपको 8 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो अशोका ने स्क्रिप्ट लिखी थी वो स्क्रिप्ट अब हिंदी है, एग्जाम्पल हो हिंदी तो लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी लिखी किस में जाती है, उसे कहते हैं स्क्रिप्ट यानी लिपि। जैसे हमारा ये पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, इंग्लिश रोमन में लिखी जाती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा हिंदी की स्क्रिप्ट कौन सी है, उसकी लिपि कौन सी है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा, जो अशोका प्राकृत में लिखते थे, प्राकृत इंडिया में थे वो प्राकृत लिखा जाता था, जो खारोष्टी थी एक और लैंग्वेज थी खारोष्टी, जो इंडिया से बाहर यूज होती थी यानी अफगानिस्तान वाले एरिया में खारोष्टी लैंग्वेज यूज होती, खारोष्टी KHARO खारोष्टी लैंग्वेज होती थी अफगानिस्तान वाले इलाके में, तो वो हमें समझ नहीं आई खारोष्टी में क्या है। तो हमें दो वर्ड्स मिलते हैं, पियादृष्टि, PIYADASAI पियादसी और देवनामा पिया, DEVAN, ये ए है, एन है वो नामा, एन ए नाम पिया, PIYA देवनामा पिया।
तो ये दोनों प्रियदर्शी प्राकृत वर्ड, इसको हिंदी में कहते हैं प्रिय दर्शन, यानी जिसे दर्शन प्रिय हो। और ये है देव नाम पे, देवों का प्रिय, देव नाम प्रिय थे। ये दोनों वर्ड अशोका के लिए यूज हुए हैं। और ये जो आप सिक्के देख रहे हो, ये इंडो ग्रीक कॉइन्स हैं। और सब ये नाम किसने डिस्कवर की इंस्क्रिप्ट के अंदर, उनका नाम था जेम्स प्रिंसप। 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेम्स प्रिंसप ने क्या डिस्कवर किया था, खारोष्टी स्क्रिप्ट किसने डिस्कवर की थी, वो आपको। जेम्स प्रिंसप एक इंग्लिश स्कॉलर है, ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बनाया था, तो इन्होंने ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिस्कवर किया था। इनका नाम प्रिंसप था, जेम्स प्रिंसप, और इन्होंने ही ये दोनों वर्ड डिस्कवर किए थे, प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय को डिस्कवर किया था। तो इसको देखते हैं, इसको डिस्कवर कैसे किया गया, इसको डेसिफर कैसे किया गया। तो आप देखिए, कहा था पहले ऐसे सिक्के थे जिनके राजा का नाम भी हो, राजा की फोटो भी छपी हो। पहले सिक्के थे, इनके आगे साइड में लिखा जाता था, क्या नाम था, आगे वाले साइड में ग्रीक में लिखा जाता था, और पीछे लिखा जाता था लोकल लैंग्वेज में लिखा गया था, लोकल लैंग्वेज जो वहां पे यूज होती थी। और इन्होंने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, राजस्थान वाले पार्ट में किंग अपना रूल किया था, तो वहां पे हमें आसानी हुई डिसिफर करने में। लेकिन पहले मुश्किल थी, हम समझते थे कि शायद संस्कृत की प्योर लैंग्वेज हो। तो जेम्स प्रिंसप ने बंगाली संस्कृत लोगों को बुलाया, बंगाली पंडितों को बताया, तो उन्होंने डिस्कवर नहीं कर पाए थे। लेकिन बाद में इन सिक्कों की हेल्प से, इंडो ग्रीक कॉइन्स की हेल्प से, उन्होंने इसको डेसिफर किया था। ये कुछ सिंबल्स हैं जो खरोष्ट में मिलते हैं, और ये सिंबल हिंदी में मिलते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये चा है, डा है, सिंबल्स जो हमें डेसिफर करने के बाद मिले हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है प्रॉब्लम रिगार्डिंग इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में क्या क्या प्रॉब्लम मिली है। पहला, ये 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट बनते हैं। पहला टेक्निकल, लेटर्स होते हैं वेरी एंग्रेड लिखे जाते हैं, छोटे छोटे लिखे जाते थे, पहला पॉइंट इसका ये है। दूसरा है कि कुछ इंस्क्रिप्शन डैमेज हो चुकी हैं और कुछ अपने लेटर खो चुकी है। तीसरा है कि जो मीनिंग है वो एक्चुअल नहीं पता। जैसे धर्म एग्जाम्पल लेते हैं, जो मेरे सर ने मुझे एग्जाम्पल दिया था धर्म, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिलीजन कहते हैं, रिलीजन। रिलीजन अब अगर इसको हम हिंदी में मतलब समझे तो ये क्या है, धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होगा? नहीं, बल्कि हमारे यहाँ तो कहते हैं कि धर्म अधर्म की लड़ाई होती है, सच झूठ की लड़ाई होती है, माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है। हम ऐसी बातें कहते हैं कि हिंदी में इसका मतलब सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ना होके बहुत वास्ट मतलब होता है, बहुत बड़ा मतलब होता है। लेकिन इंग्लिश में जो रिलीजन होता है उसका मतलब हिंदू मुस्लिम यही होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो उसी प्रकार कुछ वर्ड्स का मतलब हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट उसका मतलब यही होगा। सेकंड पॉइंट है कि बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस फाउंड हुई है लेकिन डेसिफर नहीं हो पाई है, ना ही पब्लिश हो पाई है, ना ही ट्रांसलेट हो पाई है। एग्जाम्पल, हड़प्पन इंस्क्रिप्ट, हड़प्पन इंस्क्रिप्ट अभी तक ना तो पढ़ी गई है, ना ही ट्रांसलेट हो पाई है, ना ही डेसिफर हो पाई है। थर्ड है फंडामेंटल प्रॉब्लम। फंडामेंटल प्रॉब्लम यानी देखो, इंस्क्रिप्शन कौन लिखवाता था, किंग लिखवाता इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन में क्या क्या जानकारी मिलती है, राजा कब किंग बना, उसने कौन सी लड़ाई जीती, उसकी शादी कब होती है, उसके कितने बेटे होते हैं, उसकी डेथ कब होती है। क्या हमें इन सब में से लोकल पीपल के बारे में पता सुनने को मिला है कि लोकल पीपल क्या करते थे, उनकी दुख क्या होता, उनकी खुशी कब होती, नहीं मिलता। तो इसलिए सिर्फ इंस्क्रिप्शन से हम राजा और उसकी फैमिली के बारे में पता कर सकते हैं, वहां के लोकल पीपल के बारे में नहीं पता कर सकते। और 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लोकल पेपर की हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट कैसे की जाती है। तो एग्जाम आपकी बुक में दे रखा है, तो बुक में इसका आंसर होगा जटाकास, जो बुद्ध ने जटाकास लिखे थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने, भिक्षुओं ने लिखे थे जटाकास, उसमें कहानियां लिखी गई हैं लोकल पीपल के बारे में। तो लोकल पीपल की हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं वो किसका यूज करते हैं, जटाकास का। किसने लिखी थी, बहुत भिक्षुओं ने लिखी थी, और वहां पे हमें लोकल पीपल की कहानियां सुनने को मिलती है। नेक्स्ट पे आते हैं फ्रेंड्स। वैसे हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। नेक्स्ट है ट्रेड, जो मैंने छोड़ दिया था। तो ट्रेड यहाँ पे ओवरलैंड भी होती थी, जो सेंट्रल एशिया तक जाती थी, और ओवरसीज भी होती थी, नॉर्थ अफ्रीका जाने के लिए और वेस्ट एशिया जाने के लिए, साथ ही साउथ ईस्ट एशिया, चाइना। साउथ ईस्ट एशिया आपका इस वाले पार्ट में है, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, चाइना पता होगा, नॉर्थ अफ्रीका यहाँ पे है, ये वेस्ट अफ्रीका पूरा पूरा यहाँ पे। ये आपका ट्रेड का मैप दिखाई दे रहा है,
इंडिया क्या करता था, सामान के बदले सोना लेता था, गोल्ड लेता था इंडिया दूसरे देशों से, और इसीलिए इंडिया को गोल्डन बर्ड कहते थे, सोने की चिड़िया। यहाँ पे कोई भी गरीब नहीं था, सब अमीर थे, इसलिए इसको गोल्डन बर्ड कहा जाता था। इसका बस इतना टॉपिक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है कुछ पिक्चर्स हैं, ये समुद्र गुप्त हैं फ्रेंड्स, ये वाले नहीं जो ये वीणा वादन कर रहे हैं, ये समुद्र गुप्त हैं। ये मेगास्थनीज हैं, ये इनकी मेगास्थनी बुक इंडिका है, ये चंद्रगुप्त मौर्य इधर हैं, ये चाणक्य हैं और ये अशोका हैं। नाउ फ्रेंड्स, अगर ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, आप सबको पसंद आया होगा आशा करता हूँ। लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ सके। कमेंट बॉक्स में डाउट, आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, डाउट्स कोई भी हो। और इस पे अगर आप प्रैक्टिक वैसे इस पे अगर आप प्रैक्टिकल के लिए चैप्टर मत चूज करना, हिस्ट्री के लिए बहुत ही नहीं बन पाएगा प्रैक्टिकल, इससे आपको कोई प्रैक्टिकल की हेल्प नहीं होगा, इससे प्रैक्टिकल मत बनाना, मैं आपको ये कहूंगा। और लास्ट में थैंक यू एंड बाय।